आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, x में लिखा दिया है बहुपद fx बराबर 1+2x+3x+4x+3। माना fx के भिन्न वास्तविक मूल्यों का योग s है, तब t बराबर मॉड s है। तो प्रश्न f(x) क्या होगा वर्धमान या ह्रासमान, मुझे बताना है। चलिए आप देखते हैं। तो मेरे पास fx क्या दिया हुआ है, तो fx बराबर है 1+2x+4x। क्या करता हूँ उसको मैं कुछ ऐसे लिख लेता हूँ, 4x+3x2। अब देखिए यहाँ पे यदि मैं इसकी तुलना ax+bx+d से करता हूँ, यहाँ से मूलों का योग जो आता है वो क्या होता है, तो मूलों का योग बराबर होता है माइनस का b बटे a। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो fx है इसके मूलों का योग जो s है वो बराबर हो जाएगा माइनस का b मतलब 3/4, और d जो है वो कितना है, और s के निरपेक्ष मान के बराबर, तो यहाँ पे 3/4 का निरपेक्ष मान जो कि हो जाएगा 3/4 के बराबर। तो अब यहाँ पे देखियो, अब यहाँ पे fx मेरे पास क्या था, ये था तो f'x निकालूंगा, तो d/dx किसका, fx का, तो बराबर हो जाएगा f'x के, जो कि हो जाएगा 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, 2x का अवकलन 2 हो जाएगा, 3x2 का अवकलन 6x हो जाएगा, और 4x3 का अवकलन 12x2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा और अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं, तो 12x+6x+2, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 को मैं लिख सकता हूँ 2√3x/2, तो ये पूरा एक में हो जाएगा। 6 को मैं लिख सकता हूँ 2√3 / √3/2, और गुड़े एक्स हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3/2, और ये माइनस का भी हो जाएगा 3/2, और ये प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2√3x+√3/2 इसी घात में 2, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3/4 और प्लस का 2। यहाँ से f'x बराबर आ जाएगा 2√3x+√3/2 और प्लस का 5/4। तो चूंकि ये जो है वर्ग संख्या है, तो यहाँ से ये तो हमेशा धनात्मक रहेगी, यानी कि 0 से बड़ी रहेगी, और ये पहले से ही 0 से बड़ी है, इसलिए मेरा f'x होगा वो 0 से बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो fx है वो क्या है, वर्धमान फलन है, वर्धमान है। अब चूंकि जो t का मान था वो कितना था, 3/4 था, तो माइनस t का मान कितना होगा, -3/4 होगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फलन जो fx है, तो fx मेरा क्या था, फिर से लिख लेता हूँ 1+2x+3x2+4x3 था, ये मैं एक बार देख लेता हूँ। तो जो मेरा फलन था इसमें मैं t बराबर माइनस का 3/4 रखता हूँ, तो देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 3/4 रखता हूँ, तो देखिए यहाँ पे f माइनस का 3/4 बराबर हो जाएगा 1-3/2+ 27/16, और यहाँ भी प्लस का 27/16 ही आएगा, यहाँ पे माइनस का 27/16 आएगा, तो ये मुझे यहाँ पे माइनस का 27/16 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1/2। ऐसे ही यहाँ पे यदि f 3/4 निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, तो जाएगा 1+3/2+27/16, और यहाँ भी प्लस का 27/16 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/2+54/16। तो यहाँ से मैं इसको 8 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 40+54/16, यानी कि ये 94/16 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जब t जो है जब x जो था -3/4 था, तब ये न्यूनतम माइनस का था, और अभी प्लस का हो गया, तो यहाँ से ये हो जाएगा कि ये वर्धमान फलन है। तो यहाँ से क्या कह सकता हूँ, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि -t से t के बीच में ये वर्धमान फलन। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।